opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. अगर हम अब गेंदबाजों की बात करें, कहीं पे आपको लगा कुछ प्रिडिक्टेबल, कहीं पे गलतियां, कहीं पे जहां ये गेंदबाज भी इधर देख के कहेंगे कि हम यहां थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे अपनी आइडिया और एग्जीक्यूशन. देखिए रिजल्ट जो है वो तो रिजल्ट तो जो है वो है सामने, पर आई थिंक आइडिया और एग्जीक्यूशन की बात कर सकते हैं. एंड में दीपक चहर को ऑब्वियसली वो 3 छक्के पड़े हैं चहर को, तो जाके उनके बाद अर्धशतक पूरे होने को ऑलमोस्ट आया. सिराज को भी 44 रन पड़े वहाँ पर. आर अश्विन भी आज महंगे रहे, मतलब सभी महंगे रहे. इनफैक्ट आर अश्विन तो अकेले हैं जो सिंगल डिजिट्स में रहे हैं. हाँ. बाकी सबको और 225 से ऊपर बनेंगे तो जाएंगे, पर एग्जीक्यूशन के हिसाब से और प्लान्स के हिसाब से आई थिंक प्लान तो ठीक था. वैसा नहीं कि उन्होंने जब बता लगा था कि आउटसाइड दी ऑप्शन यॉर्कर मारने की कोशिश करेंगे तो उसमें वाइड भी गिर सकते हैं, यॉर्कर करेंगे क्योंकि इस विकेट पे आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं. हम बहुत बार बात करते हैं ना कि बैक ऑफ द लेंथ डालना चाहिए, पर इस विकेट पे, इस ग्राउंड पे आपके पास कोई चांस ही नहीं था. एक यॉर्कर अकेला लौता बॉलर था, गेंद था जो आपको बचा सकता था. और दूसरा जो उसमें बहुत सारे फुल टॉस भी गिरे, तो मुझे लगता है शायद फुल टॉस सबसे सही थी, और ज़्यादा फुल टॉस करते तो कुछ हो सकता था, लेकिन वैसा है. कोशिश करता था और ज्यादा हो सकता था, लेकिन ऐसी विकेटों पे ना आपको कई बार ऐसे बॉलर्स को वही होता है कि उनको भी पता होता है कि हल्की सी मेरी लेंथ इधर या उधर हुई तो छक्का ही जाएगा. और जब बल्लेबाज वापस 70-80 पे बैटिंग कर रहा हो तो एक खाली एक चीज अगर एक्स्ट्रा क्रिटिकल होने की अगर वहाँ पे जाए तो वही है कि अक्षर पटेल को शायद वो जो मैचअप वाले चक्कर में ना दो लेफ्टी आए तो गेंदबाजी नहीं कराई, तो कप्तान वो कर सकते थे क्योंकि वैसे भी ये ड्रेस रिहर्सल है, ऐसा सीरीज़ भी लाइन पे है नहीं, तो वो चीज़ देख सकते थे कि क्या वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को डालते ही हैं. आईपीएल में भी अच्छा डाले, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते थे. यहाँ पे भी एक और ही डलवाया तो शायद वो हो सकता था कि उनको और एक और डलवा सकते थे. आई थिंक आज तो जैसे गेंदबाजी करी हो देख के ऐसा ही लग रहा है कि अक्षर पटेल को बल्लेबाजी खिलाया उन्होंने. माना ही नहीं उन्होंने गेंदबाज उनको कि एक ही ओवर कराया उनसे. आई थिंक कहीं पे इसको अगर आप देखें तो ये भी जो आप कह रहे हैं कि कप्तान जो ट्रायल कर रहे हैं, आज आखिरी मैच है, इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. अगर आप वहाँ पे देखें अश्विन को पूरे ओवर देना चाहते थे, राइट हर्षल सॉरी अश्विन को सिराज को पूरे ओवर देना चाहते थे कि यू नो देखना है कि कहीं पे क्या. अक्सर तो इनको पता है कि अक्सर पक्का इनकी टीम में खेलेंगे, राइट, क्योंकि वो अब ऑलराउंडर की पोजीशन है. वहाँ पे आपको उनको खिलाना है, आपको हार्दिक को खिलाना है, उन दोनों को जोड़ के आपको अपना फिफ्थ बॉलर बनाना है वहाँ पे. तो आई गेस मे बी यही सोच होगी उनकी, वही सोच हो सकती है, उसके बिना तो ऐसा कुछ है नहीं. या फिर मेरे ख्याल से जो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रायल अभी भी वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट टीम बन गई, लेकिन अभी भी एक ट्रायल तो बाकी है कि आपको जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट किसको लाना है. और सर हैं दावेदार, आज जो डाल रहे थे आज तो तीन दावेदार हैं. दीपक चार थे, सिराज भी थे, उमेश यादव भी है, तो तीनों के लिए वो बड़ा अपॉर्चुनिटी था. तो मुझे लग रहा है सिराज दीपक चार ने प्रभावित किया, अगर आखिरी के वो 3 छक्के छोड़ दे जो किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने 3.3 में खाली 27 से 28 रन दिए थे. तो इस विकेट पे उस तरह का जो वेरिएशन आप देखने की जो देखते हैं ना कि आखिरी में कर सकते हैं कि नहीं, वो देखने को ज़रूर मिला कि स्लोअर डाला, स्लोअर बाउंसर डाला. यॉर्कर भी अच्छा एग्जीक्यूट किया, सिराज ने 19 ओवर बहुत अच्छा डाला, जो 17 की पिछले कितने 10-12 इनिंग में 17-18 की इकोनॉमी है वो तो 11 में ही निकाला. तो यॉर्कर्स भी अच्छे थे. तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल एक चीज़ ज़रूर है कि ऑप्शंस हैं ज़रूर, लेकिन वो कौन सा भारत के लिए सबसे सही ऑप्शन होगा वो अभी तक खेल नहीं रहा है क्योंकि उनको कोविड हो गया. शामी तो कोविड से तो रिकवर भी कर गए हैं काफ़ी टाइम से, पर मेरे ख्याल से वो आई थिंक नेगेटिव रिपोर्ट आई नहीं उनकी, आ गई, पर मेरे ख्याल से चांस नहीं लेना चाहते. ऐसा देख के ऐसा लग रहा है अगर चांस लेना होता या उनको ट्रायल पे रखना होता तो शायद वो खिला लेते, बट ऐसा दिख रहा है कि रिप्लेसमेंट श्रृंखला में एशिया कप भी खेल सकते थे. भाई देखिए खेल तो मोहम्मद शमी इस पूरे साल में 30 से ऊपर T20 अंतर्राष्ट्रीय भारत खेल चुकी है, उसमें एक भी मैच में वो नहीं दिखे.